सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी बहुत दिन के बाद में आज फिर ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि पेपर वगैरह था तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ था। तो अभी मोहित का वेट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे, आज गांव जाएंगे। गांव दूर मतलब मौसी के यहाँ जाना है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर अभी मोहित आ चुका है, लगभग पहुंचने वाला हूँ बोल रहा था, तो देखते हैं बाहर में। तो ठीक है, फिर यहाँ से अभी निकलते हैं, एयरफोन ले लेते हैं भाई, जरूरी है इधर। तो चलो फिर चलते हैं। तो गाइस, अभी मोहित आ चुका है, देख सकते हो। कितना टाइम हो गया सर आए? ब्लॉग चालू हो गया क्या? तो अब पेपर समाप्त, अब ब्लॉगिंग। अभी तो आया, अभी थोड़ा देर हुआ है, तुम बहुत लेट लगाती है बाहर आने। उत्तर टाइम से तो आप लेट किए हो, थोड़ा सर मैं क्या लेट किए हो, पूरा मेरे ऊपर ही गलती आएगा पूरा। वाह, तो किसके ऊपर आएगा? चलो चलो जल्दी तैयार हो भैया, चलेंगे। केक लेके आ गए? केक उधर लेंगे ना, सिवा में लेंगे, इधर ऑर्डर नहीं दिया। तो इतना टाइम से क्या कर रहा था? इधर ऑर्डर दिया हूँ बोल रहे थे। चलो चलो, तो ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। तो गाइस, अपना सफर स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। अभी हम निकल चुके हैं, अब सफर काटते हैं भाई। अभी 2 घंटा लगेगा है ना? 1 घंटा भाई, हवा चलाते हुए नहीं जाना है, आराम से। तो गाइस, अभी हम लोग चरौदा पहुंच चुके हैं, बेंजेलो स्वीट्स में। यहाँ पर केक लेते हैं एक, अभी गया हुआ है मोहित, चलो चलते हैं अंदर। तो 2 पाउंड का केक हम लोग को नहीं मिले, इसी कारण हम लोग कितना पाउंड के लिए? एक पाउंड के लिए। 1 पाउंड का रेट कितना है अंकल? कितना है अंकल रेट? 350 एक पाउंड का। GOMATI जा भाई बता। तो ये है, यहाँ पर मस्त फ्रेश वाला मिलता है केक वगैरह, इसके कारण हम लोग यहीं से लेते हैं। यहाँ मतलब न्यू केक वगैरह आता है जल्द से जल्द, मतलब एक दिन में आता ही रहता है। तो गाइस, अभी केक ऑफ़ उधर पैकिंग हो रहा है, तो इधर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन वगैरह कुछ खाएंगे, कौन सा लेंगे? जो सर लो तुम, वो वाला नहीं है क्या? ये वाला है नहीं, ये वाला तो ये है ना भैया? नहीं, लेकिन ये वाला अच्छा नहीं लगता है, तुम मत खाओ ये वाला लो, पिंक वाला। पिंकी कौन सा है? छोटा वाला। पिंकी पोंकी पोंकी, पिंकी प्रॉमिस, ये वाला। और मैं दूसरा वाला लूँ? नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए भैया? अरे यार कौन सा। तो दोस्तों, हमारा केक वगैरह जो भी सामान है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, वो सब पार्सल हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग अभी टोल प्लाजा क्रॉसिंग करने वाले हैं, देख सकते हो अभी बहुत दूर हो रहा है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है सफ़र। ये टोल प्लाजा क्रॉसिंग। चलो दोस्तों चलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, हम लोग अभी नान घाट पहुंच चुके हैं, देख सकते हो ऊपर ब्रिज, शिवनाथ नदी का नज़ारा ले सकते हो। और इधर जाता है मेरा गांव, ये वाला रास्ता जाता है मेरा गांव, ये वाला मुंगेली जाता है ये वाला रास्ता, और ये वाला जाता है सीधा बिलासपुर। तो हम लोगों को जाना है गोमती की मौसी के यहाँ। तो अभी चलो भाई चलते हैं, लगभग ज़्यादा नहीं 10-15 किलोमीटर बाकी है, तो फिर चलो चलते हैं अभी। तो गाइस, अभी हम लोग नान घाट से पार हो चुके हैं, और ज़्यादा नहीं 10-15 किलोमीटर और बचा है, तो अभी चलते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब रायपुर से निकले हैं पेट्रोल टंकी से, तो सीधा यहाँ पर रुके हैं। तो बहुत टाइम हो गया, अभी लगभग 5:30 बज चुके हैं, और अभी यहाँ पर देखो ये मोहित सेठ बैठा हुआ है, ये अपना केक, और इधर क्या है पता नहीं, गिफ्ट वगैरह है। तो ये नेशनल हाईवे में है,
चलो चलते हैं, बहुत ही झनझनाहट हो रहा है, तो चलो चलते हैं दोस्तों। कॉल आया है किसी का, तो गाइस हम लोग अभी गुरसेना पहुंचने ही वाले हैं, मतलब गांव में तो ये पहुंच गए हैं, घर में थोड़ा देर और 2 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है। जंगल तो गाइस हम लोग यहाँ गुरसेना तो करीबन 6 बजे का पहुंच गए थे। अब खाना वाना तो अभी नहीं होगा, अभी केक कटिंग होगा, तो अभी रात के 8:30 बज चुका है। तो अभी ये इंस्टा क्वीन जिसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। पार्टी पार्टी तो हो रहा है, इन लोगों के लिए व्यवस्था है पार्टी का, और केक भी कटिंग होने वाला है। आप लोग भी आओ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भाई। कौन सा चैनल है, नाम बता दो। गोमती मनोज साहू, गोमती मनोज मिस साहू, गोमती साहू इंस्टाग्राम में। अरे साहब आ चुके हैं, और बताइए सर सब ठीक। आप सभी को इसको दिखाओ, गोमती के बर्थडे में चॉकलेट को गिफ्ट देता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है, सबको बांट दूंगा। ठीक है ठीक है। अब वीडियो खत्म होने के बाद क्या पता मंग लेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसको घर ले जाके आपको दिखाऊंगा, इसको घर ले जाके आपको मेरे घर में ऐसे दिखाऊंगा, तो आप मान लेना की मेरे को मिल गया है। चलो ठीक मोहित, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। और रात तो बहुत ज्यादा हो चुका है गांव में, मतलब गांव में पहुंच गए तो अभी पूरा यहां का माहौल पूरा खत्म हो चुका है, मतलब सब सो गए हैं। रात बहुत हो चुका है ना, 9:30 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसके फैंसी दुकान में है, देख सकते हो क्या क्या कपड़ा वगैरह है, देख सकते हो आप लोग। ये कंगन जिसको भी लेना है आ जाना, और ये साहब को देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं बहुत ही अच्छा इसको सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्या, इधर बॉटल है, मतलब फैंसी सामान है, और कुछ कपड़ा वगैरह भी है, साड़ी वगैरह देख सकते हो आप लोग। और इधर पार्लर का भी काम होता है, आप लोग पार्लर का काम भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ठीक है, फिर ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अभी यहाँ पर डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन कुछ नहीं है, इसी केक बस कटिंग होगा, ज़्यादा कुछ नहीं सजाएंगे, बहुत कुछ ज़्यादा ही नाइट हो गया है गांव के हिसाब से। तो दोस्तों अभी केक कटिंग होने के लिए जा रहा है। पंखा बंद करो पहले। पंखा कहाँ है, स्विच कहाँ है? अरे हाँ हो गया। अरे गाना बंद कर दिया क्या? नहीं गाना नहीं हुआ है। तो केक कटिंग हो रहा है। अरे केक मत मार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मौसी। चलो चलो जल्दी जल्दी। खिला भाई खिला, खिला उसको खिला। मस्ती नहीं, ए टेबो को भी, ए बेचारा रिसाव भाई मुंह फूल गया बेचारा का। केक कटिंग हो चुका है गाइस, देखो पूरा इधर खतरनाक सिस्टम हो गया। तो ठीक है फिर, केक वगैरह कटिंग हो गया, अब खाना वाना खाएंगे।
इसका फैंसी दुकान में ही हम लोग केक कटिंग कर दिए। इतना सारा गिफ्ट मिला है, देख सकते हो। डांस मुनिया कुछ बोलना चाहती हो? नहीं बोलो ना। अरे हैप्पी बर्थडे बोलूँ केक कर। ओकार 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 मोरा बनाना। ओ भाई देखो शर्मा गई रे, ये शर्मा गई बिल्ली को। देखो बिल्ली शर्माने का नहीं, इधर आ जाओ बाबू। आयुष हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आयुष। थैंक यू बोलो, मूड नहीं है। ये बेचारा वो खाऊं चका दे कर लाला चटर खवाई दे। खवा खवा। अब मेरी बारी, मैं खाऊंगा। चल मुला खा। अबे के बात खावे रे मुनी। अबे सारे तुर से कमी ले हूं बे। चुप है और खा। हूं इधर है ये मुनिया। तो चलो इधर के चौपट हो गए। आप भी गाइस आके केक खा लो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप भी आप हम लोग के संग बर्थडे मना सकते हैं, तो आप केक खा सकते हो भाई। तो आए लो लल्लू भाई। नहीं नहीं मैं खा चुका हूँ भाई। ओ बहुत ही, अरे बहुत बड़ा हो गया यार। तो ठीक है गाइस, अब खाना खाना वगैरह खाएंगे अब। तो दोस्तों अभी बर्थडे सेलिब्रेट तो हो गया, अब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से। और इधर टेबो और मौसा जी सोए हुए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। सर मां गया। तो ठीक है फिर अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मस्त खाना वाना हो चुका है और अभी गिफ्ट का अनबॉक्सिंग होने जा रहा है। ये देखो फर्स्ट गिफ्ट ये है मेरी ओर से। और ये साड़ी जो है वो उसको मामी दिया है, इसी को पहन कर केक काटना बोले थे, तो ये भी हो गया। वाव ठीक है, पसंद आया। ये दूसरा गिफ्ट मोहित का, कार बताऊं? नहीं नहीं खोलो। गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हुए ये उसका दुकान, जो भी लेना है आप आ सकते हो, कपड़ा भी सिलवा सकते हो। इधर कपड़ा भी है मतलब साड़ी वगैरह, ब्यूटी पार्लर भी है। और इधर आया गिफ्ट, ये साड़ी मोहित का गिफ्ट देखो, साड़ी है इसमें बहुत अच्छा वाला है। ठीक है कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा तो ठीक है फिर चलो। सभी को नहीं खोलेंगे कभी? हाँ सभी को नहीं, अभी टाइम 11 बज गया रात को। हाँ अभी गांव में है हम लोग, रायपुर में रहते तो उधर का बात अलग है, 11 बजे खाना वगैरह खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन यहाँ गांव में अभी पूरा नाइट हो चुका है। तो ठीक है फिर दोस्तों यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।